हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अभी लाइव मार्केट में एक स्टॉक के एनालिसिस लेके आया हूँ। स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरीज। 2 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, अमर राजा बैटरीज 2 बिग न्यूज़ नेक्स्ट टारगेट। ये एक वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो अभी इस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ न्यूज़ इस स्टॉक में आई है, तो चलते हैं एनालिसिस करते हैं। तो 52 वीक का हाई है इसका 1025, 52 वीक का लो है 693। क्वांटिटी अभी तक जो ट्रेड हुई है 4,06,615 और डिलीवरी उठाई गई है 2,24,762, 55.28% की डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है इसी स्टॉक में। स्टॉक के बारे में बात करेंगे, मार्केट कैप है 12,375 करोड़ की, 92.3 करोड़ का डेट है, प्लेज परसेंटेज 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर्स की कम हुई है 52.06 से 28.06, FII की बढ़ी है 20.41 से 22.10, DII की 9.41 से 15.24, DII की अच्छी खासी बढ़ी है इसमें, गवर्नमेंट की 0.34 से 0, बिल्कुल ख़त्म है गवर्नमेंट की, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 17.78 से 34.60, यानी कि पब्लिक की होल्डिंग डबल हो गई है। और इस स्टॉक में जो न्यूज आई है वो पहली न्यूज, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा है अमर राजा बैटरीज़ के ऊपर, और उसकी कुछ दिन पहले हियरिंग भी हुई है। बट अभी जो न्यूज है वो ये है, अमर राजा बिगिंस वर्क ऑन लिथियम आयन सेल्स। अमर राजा बैटरी ने लिथियम आयन सेल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और रिसर्च हब सेटअप कर दिया है इन्होंने तिरुपति में, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है अमर राजा बैटरीज के लिए। दूसरी न्यूज है, गवर्नमेंट हैज़ नो रोल इन अमर राजा बैटरीज मूविंग आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। और एक न्यूज और है इसमें फाइनल, वो ये है, अजीत मिश्रा इज़ बुलिस ऑन अमर राजा कमिंस एंड PFC। अजीत मिश्रा जी कौन हैं? अमित मिश्रा हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट रैलीगेयर ब्रोकिंग। तो रैलीगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च डिपार्टमेंट के ये VP हैं। इनकी अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो अमर राजा बैटरी की बाय की है। टारगेट इन्होंने 760 के दिए हैं, स्टॉप लॉस 695 का दिया है। तो चलते हैं इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। ये है इस स्टॉक का वनडे का चार्ट, RSI इसकी अब 50 है और अभी लाइव मार्केट में 731.55 चल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने अमर राजा का सपोर्ट 695 या 697 बताया है और वहीं से ये स्टॉक मूव करके ऊपर 731 के आसपास अभी चल रहा है। तो अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, जो लोग अभी इस स्टॉक में बाइंग देख रहे हैं, फ्रेश बाइंग, वो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। टारगेट पहला 760 के आसपास है, दूसरा 791 के आसपास है, ये दो टारगेट्स हैं इसके। कंपनी बहुत अच्छी है, जो लोग और ऊपर लेके इस स्टॉक को बैठे हुए हैं वो इस करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं और अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। अगर 1 वीक की बात करें, 1 वीक का सेम पैटर्न है, वही 695 के आसपास में आया है और उसके बाद से ऊपर अब जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस कंपनी का एक भी शेयर आप मत बेचना लॉस में, ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपको प्रॉफिट देके जाएगी। 3-5% अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप एग्जिट कर सकते हैं, मेरी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेड की यही है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की मेरी बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।